नाश्ते के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी उपमा, वेजिटेबल उपमा साउथ इंडिया की एक बहुत ही शानदार रेसिपी और बहुत आसानी से बन जाती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप सूजी, और इस सूजी को अब हम भून लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी लेके गरम कर लिया है, और घी को ज़्यादा गरम नहीं करना, क्योंकि जब घी ज़्यादा गरम हो जाता है तो उसमें एक महक सी आने लगती है जो अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा ही गरम होगा तब हम इसमें सूजी डाल देंगे और सूजी को भूनेंगे और इसको रोस्ट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है इसको, जैसे कि हम हलवे के लिए करते हैं वैसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये हल्की सी डार्क क्रीम कलर की होगी और फिर हम बंद कर देंगे इसको। तो 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा इसको, और मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे और पेशेंस के साथ करेंगे। इस तो देखिए यहाँ पे ये हो गई है, हल्की सी खुशबू आना शुरू हुई थी और मैंने बदल दिया। अब हम इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई में छोड़ेंगे तो ये फिर इसकी हीट से जल सकती है। और अब इसी कढ़ाई को मैं साफ़ कर लेती हूँ टिशू से, जो भी सूजी बची लगी रह गई वो निकल जाएगी। और इसमें अब हम बनाते हैं अपने उपमा की तैयारी करते हैं। तो 1 चम्मच तेल मैं डाल देती हूँ इसमें, और तेल को गर्म करेंगे थोड़ा, और इसमें डाल देंगे ये मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, और इसको आधा चम्मच लिया है मैंने, आधा छोटा चम्मच। और राई के कड़कने पे यानी कि जब स्प्लटर करने लगेगी तब इसमें डालेंगे चने की दाल 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच उड़द की दाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं हमारी साउथ इंडियन रेसिपीज़ के। करी पत्ता डाला, और सब इन सबको हल्का सा फ्राई करेंगे। बढ़िया सी खुशबू आने लग गई है करी पत्ता पड़ते ही, और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे ये प्याज, 1 मीडियम साइज़ की महीन महीन कटी हुई प्याज है, इसको डाल लेंगे और हल्का ही तलेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई कुछ भी नहीं करना है। और इसमें मैंने डाल दिए थोड़े से काजू, और इनको भी फ्राई कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गाजर, बहुत ही अच्छी सी बारीक कटी हुई गाजर है ये, और गाजर के साथ मैंने डाला है थोड़े से बीन्स, सब बारीक कटे हुए, और डाल दिया नमक टेस्ट के हिसाब से, और इनको करीब 1-2 मिनट तक हम ऐसे भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। बहुत ही बढ़िया नाश्ता होता है, क्विक नाश्ता होता है। तो बस सूजी भूनने में जो टाइम लगता है लगता है, और बाकी अगर आप सूजी भून के रख लेंगे तो आप मिनटों में इसको बना सकते हैं और कभी भी ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, इवन डिनर के लिए भी बढ़िया चीज़ है। तो बस अब ये सब्ज़ियाँ हो गई हैं, अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो पानी का रेशियो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें मैं डालूँगी 3.5 कटोरी पानी। वही कटोरी, सेम कटोरी लेंगे जिसमें कि सूजी ली थी, एकदम परफेक्ट आती है, इससे सॉफ्ट भी बनता है और खिला खिला भी रहता है, और बहुत बढ़िया उपमा तैयार होता है। तो इसका जो परफेक्ट रेशियो है पानी का वो है 1 कटोरी सूजी में आप लेंगे 3.5 कटोरी पानी, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब हम इसको उबलने देंगे, और उबाल आ जाने के बाद भी हम इसको 1-2 मिनट तक ऐसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि सारी सब्जियों का और ये जो हमारे मसाले और जो कुछ भी पड़ा है इसमें उन सब का फ्लेवर पानी में आ जाए, और बढ़िया सा हमारा फ्लेवरफुल पानी तैयार हो जाए और सब्जियां भी थोड़ी कुक हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो हमने फ्राई नहीं किया है। तो थोड़ा सा इनको हम वाल के साथ पकाएंगे, और अब ये मैं डाल देती हूँ उसमें ये हमारी भुनी हुई सूजी, और सूजी डाल के हम मिलाना शुरू कर देंगे ताकि लम्स ना पड़े। तो इसको चलाते रहेंगे और जब तक ये पूरा पानी सूख ना जाए इसको पका लेंगे, तेज़ आँच कर लेंगे अगर धीमी है तो, और बस 2-3 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। बहुत जल्दी ठीक हो जाता है सूजी, बहुत जल्दी बनती है, टाइम नहीं लगता इसको बनने में, और बहुत बढ़िया ये उपमा तैयार है। नाश्ते की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी। और अब मैं डाल देती हूँ उसमें थोड़ा सा ऊपर से घी, घी का फ्लेवर ऊपर से बहुत अच्छा लगता है। और बस ये तैयार हो गया, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो बस उपमा तैयार है, उसको मैंने चटनी और अचार के साथ सर्व किया है, और बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, इजी क्विक और सिंपल रेसिपी, साउथ की बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। कीप वॉचिंग समत्स किचन, थैंक यू।